हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद वर्षा में आपका स्वागत है। मैं वर्षा पवार आज लेकर आई हूं फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स आलू के मसाला बना के उसके हम कोण बनाने जा रहे हैं पापड़ के। तो इसका नाम हमने दिया है पापड़ आलू मसाला कोण, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। कम चीज़ों में, घर के सामान में ही बन के तैयार हो जाता है और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है फ्रेंड्स ये। तो आप ज़रूर बनाइए। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है तो वो देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किए हैं कि कुछ आलू लिए हैं जिन्हें अच्छे से बॉयल कर लिया है और इनके छिलके हटा लेते हैं हम अच्छे से। सारे आलू के छिलके हम हटा लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारे आलू के छिलके हटा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है कि आलू को कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने से क्या होगा फ्रेंड्स कि आलू में जो गुठलियाँ पड़ जाती है ना, तो वो मसाले मतलब अच्छे से इसमें मैस हो जाता है आलू, इसलिए हमें कद्दूकस करना है। और इस तरह से हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम सारे आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लेंगे तेल। तो एक कढ़ाई में हम तेल गर्म करने रख देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम डालते हैं सौंफ, थोड़ी सी सौंफ डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, साथ ही साथ थोड़े सा खड़ा धनिया डाल देते हैं और थोड़े से राई के दाने डाल देते हैं। अब ये अच्छे से ब्राउन हो गए तो अब इसमें हम प्याज ऐड कर देते हैं और अब थोड़ी सी हरी मिर्ची, हमने 3 से 4 हरी मिर्ची बारीक कट की थी, इसे भी डाल देते हैं। और ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब हमें क्या करना है कि इसमें थोड़ी सी आधी चम्मच के लगभग हल्दी डाल देते हैं। हमें ज़्यादा ब्राउन फ्राई नहीं करना है प्याज और मिर्ची को, हल्का सा ही फ्राई होने देना है। अब इसी के साथ हम डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर और टमाटर डालने के बाद में फ्रेंड्स हम नमक डाल देते हैं। तो नमक अब अपने स्वाद के अनुसार डालिए और इसे अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो आलू हमने कद्दूकस किए थे ना, इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं मसालों के साथ में। तो ये हमारी कोण की स्टफिंग तैयार हो गई है फ्रेंड्स। बहुत ही झटपट बन जाती है ये रेसिपी, आप जल्दी से बना सकते हैं कभी भी। और इसमें अब एक नींबू, आधा नींबू डाल देते हैं हम। नींबू से थोड़ा खट्टा अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स इसका। और अब धनिया पत्ती डाल के इसे गैस को बंद कर देते हैं। तो इस तरह से हमने धनिया पत्ती डाल दी है, गैस को बंद कर दिया है और इसे ठंडा करने के लिए रख दिया था कुछ देर के लिए। और अब ये ठंडा हो गया है तो अब हम इसमें थोड़े से कच्चे टमाटर 2 चम्मच के लगभग डाल देते हैं और 2 चम्मच के लगभग हम इसमें थोड़ा सा प्याज डाल देते हैं बारीक कटा हुआ और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं। और ये जो बारीक वाली सेव होती है ना फ्रेंड्स, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमने 3 से 4 पापड़ लिए हैं। तो ये मूंग के पापड़ हैं, आप चाहे तो उड़द के पापड़, कोई से भी पापड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग उड़द के ही पापड़ ले सकते हैं आप, कोई से भी ले सकते हैं। तो इस तरह के पापड़ हमें लेना है और इसे हम बीच में से 2 हिस्से कर देते हैं एक पापड़ के। आप चाहे तो एक पापड़ का भी बना सकते हैं लेकिन कोण हमारा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें आधे आधे पापड़ के बनाने हैं। तो छोटे छोटे कोण बनेंगे फ्रेंड्स इसके। तो सारे पापड़ के हम 2 हिस्से कर देते हैं, इस तरह से बराबर हिस्से हो गए हैं देखिए। अब हमने गैस पे तवा गर्म होने के लिए रख दिया है तो अब धीमी आंच पे इस पापड़ को हम एक कपड़े की सहायता से दबाते हुए हल्का हल्का सेक लेते हैं।
तो इसे देखिए पलट के हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेते हैं पापड़ को। ये पापड़ हमारा सिक के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे एक साइड से इसे घुमाते हुए कोण का आकार दे देते हैं पापड़ को। ये गरम गरम में ही करना है फ्रेंड्स, अगर पापड़ ठंडे हो जाएंगे ना तो टूटने लगेंगे, कोण नहीं बन पाएंगे। तो इस तरह से हमने सारे कोण बना लिए हैं। अब ये जो हमने स्टफिंग तैयार की थी ना आलू और मसाले की, तो इसे इस कोण के अंदर डाल देते हैं। तो इसे चम्मच के पीछे के हिस्से से अंदर दबाते हुए इसे पूरा पैक कर देते हैं कोण को। पहले हमने फ्रेंड्स आलू को मसाले के साथ में फ्राई किया है और फिर हमने पापड़ के कोण बना के उसके अंदर ये स्टफिंग आलू वाली डाल देते हैं। तो बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारे कोण को बना लेना है। और हमने जो प्याज रखे थे ना बचा के, प्याज और टमाटर हरी धनिया ये सब थोड़ा थोड़ा इसमें ऊपर से डाल देते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। अगर बच्चों को कुछ अलग से नया खाना हो ना तो आप इस तरह की रेसिपी ज़रूर बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो ये सारे कोण हमने इसको क्या करा है, पूरे पैक कर दिए हैं, पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बनके तैयार हो गई है हमारी बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार पापड़ कोण आलू मसाला रेसिपी, या आलू का मसाला इसके अंदर डाल के आप इस तरह से झटपट बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी फ्रेंड्स ये रेसिपी। तो आप ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।